सच छुपने नहीं देंगे। हाँ नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। अभी हमारे साथ मौजूद है रिक्शा ई रिक्शा संघ चालक के जिला महासचिव सोहेल भाई। आइए सोहेल भाई से हम लोग बात करने का प्रयास करते हैं महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर, जो अभी जो देख रहे हैं महंगाई चरम सीमा से ऊपर चढ़ के बात कर रही है और भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ है। इस मुद्दे पे पहले हम लोग इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। सोहेल भाई, ये जो अभी महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर आपको क्या कहना है? देश की आज़ादी के बाद से जितनी भी सरकार आई है, सब सरकार से ज़्यादा भ्रष्ट सरकार है बीजेपी सरकार, जो हर आम आदमी को जीना मुहाल कर दिया। खाने को परेशान है आम आदमी, लेकिन इनको कुछ पड़ी हुई नहीं है। इनको तो बस सिर्फ पैसा इसलिए रखना है पास में, लूटना है जनता का पैसा ताकि हम विधायक खरीद सके, सरकारें गिरा सके, लेकिन जनता के लिए कोई परवाह नहीं है। आज टमाटर की हवा आसमान छू रही है, लेकिन किससे सवाल किया जाए? इनका एक वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, जब उनसे बात करिए आप, जाके पूछिए कि टमाटर का दाम इतना क्यों हो गया, तो वो कहेंगे कि हम टमाटर नहीं खाते हैं, क्योंकि इससे पहले भी कई बार कह चुका है वो कि हम लहसुन नहीं खाते, हम प्याज नहीं खाते, पता नहीं क्या खा के जी रहे लोग। लेकिन आम जनता को साथ इतनी परेशानी हो गई है कि इस बार अगर लोकसभा के चुनाव में आम जनता इसको पूरी तरह से सफाया करने का काम करेगा, क्योंकि बीजेपी से तंग आ गई है आम जनता। देखिए, बीजेपी से तंग आकर इस बार जो आम जनता है, इस बार बीजेपी को सत्ता से हटाने का प्रयास करेंगे। तो हम सोहेल भाई से जानना चाहेंगे, क्या सोहेल जी आप महागठबंधन के समर्थन में है क्या? हम अभी किसी के समर्थन में नहीं है, हम अपना संगठन चलाते हैं ई रिक्शा संघ, जो हमारी संगठन में बहुत सारे कार्यकर्ता है, पूरा बेगूसराय में कोने कोने में हर गांव, हर पंचायत, हर गली में हमारा कार्यकर्ता है, और इस बेगूसराय के अंदर बहुत सारी समस्या है, जिसमें रिक्शा चालक की समस्या, फुटपाती दुकानदार भाइयों की समस्या, व्यापारियों की समस्या, कोई चैन से यहाँ नहीं है, सुकून से नहीं जी रहा, सब डर के माहौल में जी रहा है। क्यों? क्योंकि आज कोई व्यापारी अच्छे से अपना व्यापार नहीं कर पा रहा, कोई माफिया आ रहा लूट ले रहा है, मार दे रहा है, कोई रिक्शा चालक जो बेरोजगारी के आलम में आकर, जिसके पास कोई रोज़गार नहीं है, पढ़ लिख के डिग्री लेके कोई रोज़गार नहीं, मजबूरी की हालत में अपने परिवार को पालने के चक्कर में बेचारा रिक्शा चला रहा है, लेकिन उसके साथ दिक्कत किया जा रहा है यहाँ के शासन प्रशासन के द्वारा। यहाँ कितना रिक्शा चालक है जो विकलांग है, मजबूरी के हाल में रिक्शा चला रहा है, उसके साथ दिक्कत किया जा रहा है, किसी तरह षड्यंत्र के तहत इस लोग को मतलब पूरी तरह से और बेरोजगार करने का हिसाब लगा रहा है। आज जितना भी फुटपाती दुकानदार भाई है उसको उजाड़ा जा रहा है, उजाड़ने से पहले उसको बसाने का जगह खोजो, फिर आप उजाड़ने का काम करो। आप उजाड़ दिए उसका परिवार बच्चा कहाँ जाएगा, सबको सड़क पे लाने का काम कर रहा, लेकिन यहाँ के जो माननीय सांसद है गिरिराज सिंह जी, वो चोर दरवाज़ा से आएंगे बेगूसराय अपने दोस्तों के लिए आएंगे और चोर दरवाज़ा से निकल जाएंगे, जनता के बीच में जाना नहीं है, जनता की परेशानी सुनना नहीं है। आज गंगा किनारे जितने भी गाँव है बेगूसराय में, सारे लोग भय में जी रहे हैं कि पता नहीं किस समय उसका घर भी ले डूबेगा गंगा। तो इतना मतलब इतनी डर के माहौल में है, लेकिन जनता के बीच में कोई बीजेपी के नेता जाना नहीं चाहता, उनका परेशानी सुनना नहीं चाहता है। उनको तो बस जब इलेक्शन के समय आएगा तो बस हिंदू मुस्लिम करेंगे, जातिवाद करके वोट लेना है, जीत जाना, फिर ऐश करना है, जनता से कोई मतलब नहीं है। तो हम इन सब किसान, मजदूर, रिक्शा चालक, फुटपाती दुकानदार, व्यापारी, इन सब का आवाज़ बनना चाहते हैं। अगर हमारी संगठन में मीटिंग हो रही है, बात चल रही है, पूरी तैयारी चल रही है लोकसभा के लिए, कि अगर इन सभी समस्याओं का अगर समाधान नहीं हुआ, अगर मौजूदा सांसद विधायक जो भी है अगर इसका समाधान नहीं निकाला, तो हम लोग लोकसभा में जाएंगे और संसदीय चुनाव लड़ेंगे। अगर कोई पार्टी हमको टिकट देती है तो पार्टी से लड़ेंगे, नहीं तो निर्दलीय उम्मीदवार हम लोग लड़ेंगे। देखिए, मोहम्मद सोहेल भाई का कहना है कि इस बार अगर किसी पार्टी का समर्थन मिला तो ठीक है, नहीं तो हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और सांसदीय चुनाव लड़ेंगे। क्यों लड़ेंगे? कि यहाँ पे जो बेगूसराय ज़िले में जो जुल्म अत्याचार हो रहे हैं,
जो फुटपाथ कर्मी से लेके और ई रिक्शा चालक से लेके और जो गंगा किनार में बसे हुए जो लोग हैं उन सभी का समस्याओं को लेकर इनके दिल में इनके दिमाग में कुछ चल रहा है, जो इन्होंने ठान लिया, इन्होंने फैसला कर लिया है। अगर किसी का समर्थन मिला तो ठीक है, नहीं तो हमारी जनता हमारे साथ है और इस बार लोकसभा की चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी हम लोग कर रहे हैं और आने वाले लोकसभा चुनाव में हम टक्कर देंगे। आपका कहना यही है? जी, हमारा पूरा तैयारी चल रहा है। अगर हमारा समाधान नहीं हुआ, ये गरीब मजदूर के साथ में, किसानों के साथ में, सबके साथ में तो अत्याचार हो रहा है, लेकिन गरीब का कोई सुनने वाला, सब अपना अपना लूटने के चक्कर में लगा हुआ है। गरीब के लिए कोई कोई काम नहीं देख रहा कि गरीब को कैसे हम उसको कोई रास्ता निकाले जो रोजी रोटी चले, उससे कोई ना। तो हम इस गरीब का आवाज़ बनने के लिए तैयार है। अगर हमें यहाँ की जनता मौका दिया, अगर मौका देता सांसद में भेजता हमको जिताकर, तो हम इनकी आवाज़ बनेंगे और इनकी आवाज़ के लिए जो भी कदम उठाना पड़ेगा, जो भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। सोहेल भाई, आपके हिम्मत को सलाम। आपने पहली बार बेगूसराय के धरती पे और संसदीय चुनाव लड़ने की ताल ठोक दिया है आपने, तो इसके लिए हमारी देश की सच्चाई की तरफ से बहुत बहुत बधाई और आने वाले लोकसभा चुनाव पे अपार बहुमत से जनता आपको समर्थन करें, ये हमारी तरफ से बधाई। हम जनता से समर्थन मांगेंगे। हम अपने कार्यकर्ता को हर सप्ताह हम मीटिंग बुला रहे हैं और सभी को सब तरफ अपना माहौल बनाने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि हमारा आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं है। और हम भी एक गरीब परिवार से आते हैं, हमने बहुत दिन तक रिक्शा चलाए, खुद चलाए रिक्शा, और उसमें कई सारा परेशानियां देखे। पढ़ लिख कर हमारे युवा बेरोजगार भटकने के कारण मजबूरी की हालत में आके अपने परिवार को चलाने के लिए रिक्शा चलाने को मजबूर, और उसके साथ भेदभाव किया जाता है, गाली सुनना पड़ता है, डंडा खाना पड़ता है पुलिस का, मतलब तरह तरह के परेशानी है, कोई हल करने वाला नहीं है। और हम ये जनता के पास जाएंगे, और मेरे पास कोई पैसा उसा नहीं है लड़ने के लिए चुनाव। हम जनता के बीच में जाकर और जनता से ही चंदा करके, इकट्ठा करके पैसा, उसी पैसा से हम चुनाव में उतरेंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं, गरीब परिवार से आते हैं।